प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज है हमारा आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर बच्चों हमारा आपका जो ए डॉट बी उस कॉन्सेप्ट के जितने भी एग्जांपल है उनके ऊपर बेस्ड रहा था। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपके जो चैप्टर 13.2 है उनके क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि यदि दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं बच्चों हमारे पास जिनके परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड 4 एंड 5 हो तो उस कंडीशन में आपको ए डॉट बी फाइंड आउट करना होगा। लेकिन कब? 3 कंडीशन दे दी बच्चों, जब थीटा 60 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो और थीटा 30 डिग्री हो। तो बच्चों आप सब जानते हो ए डॉट बी फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, ए बी कोस थीटा। तो ये वैल्यू 4 रही, ये 5, तो कोस थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करके बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बच्चों मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि आप सब कोस 60, कोस 90, कोस 30, सॉरी बच्चों 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू आप जानते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर टू है कि हमें 3 कंडीशन है जिसमें प्रत्येक कंडीशन के अंदर दो दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी, हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है भी क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो जो आपका ए डॉट बी होगा उसका करने का प्रोसेस क्या होगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बता रहा हूँ, आई के साथ यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर जे के दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे -1 है, तो आएगा 0-1। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो 0, ये नहीं कि 3 को जे के साथ लगा दो। कुछ बच्चे करते हैं भी जो 2 नंबर पे दिखाई दिया वो उसके साथ लगा दो, बाद वाले को हटा दो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, हमें उसके जो वेक्टर का डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा कि भाई जे केप के साथ जे केप वाला ही होगा। 3 एंड 1, 4 इंटू 1 4, ये 0 हो गया 3, और 4 प्लस 3 हो गया 7। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ बच्चे कई बार डरने लग जाते हैं, बच्चों कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस इक्वल मोड ऑफ ए स्क्वायर एंड मोड ऑफ ए बी स्क्वायर। अब आपके सबसे पहले माइंड में कन्फ्यूजन क्या आएगा वो सुनिए। आप ये सोचोगे भी लेस इक्वल आ गया कैसे प्रूव करें, तो बच्चों इस पर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोचिए कि आपने ए डॉट बी मोड ए और मोड बी एक साथ ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा जिसमें तीनों एक साथ दिखाई दें, तो आपके उसी वक्त दिमाग में आएगा कि हमने ये पढ़ा है कि ए डॉट बी इक्वल होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। लेकिन मैंने इन तीनों को एक साथ रखने के लिए बाकी सब अलग कर दिया, तो मैंने इसको लिखा कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा। ठीक है बच्चों इतना, तो बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया, कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब आप सब जानते हो कि जो कोस थीटा है वो बिलोंग करता है -1 टू 1 के बीच, तो हम सब जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस इक्वल 1 होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रखी, इसको मल्टीप्लाई में लिया तो ये रिजल्ट बन गया। हाँ बच्चों, इन इक्वल जो एसमिकाई होती है, इनक्वालिटी होती है, उनमें डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में ले आओ, क्योंकि वहाँ से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर ये नेगेटिव होती तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि बच्चों कोस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, कोस स्क्वेयर थीटा कुछ ऐसा बनेगा, जानते हो कोस स्क्वेयर थीटा ऑलवेज लेस इक्वल 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसको इधर ले आओ, हो गया सोल्व। फिर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट 3.4 है और जो पॉइंट क्यू है वो उसके कोऑर्डिनेट 12.9। आपको एंगल पी ओ क्यू पता करना है कि कोण पी ओ क्यू क्या होगा, कब, जहां ओ जो है वो ओरिजन, ओरिजन अर्थात यदि ओ क्या हो आपका मूल बिंदु हो तो ओ पी ओ क्यू कुछ ऐसा बनेगा थीटा। तो आपके जो बेसिक पे आइए तो उसके अकॉर्डिंग कोस थीटा क्या होगा, ओ पी डॉट ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी मैग्नीट्यूड ओ क्यू मैग्नीट्यूड। और आप सब जानते हो
ओपी क्या हो जाएगा, 3i + 4j, ये हो जाएगा 12i + 9j। अब तो बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो, डॉट करना जानते हो और मैग्नीट्यूड भी आप अच्छी तरीके से फाइंड आउट करना जानते हो। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लैम्डा के किस मान के लिए ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ऐसा बच्चों हमने एग्जाम्पल भी किया था कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो जब ए और बी परस्पर लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर हो, और उस कंडीशन में आप सब जानते हो ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों इसके दो पार्ट हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ए है 2i + λj + k। अब बच्चों जो आपका बी वेक्टर है वो है 4i - 2j - 2k। तो ए डॉट बी को जीरो के इक्वल लेकर जब मैं सॉल्व करूं तो देखो 2 × 4 लैम्डा इंटू -2 1 × -2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा 8 − 2λ − 2 इक्वल टू जीरो। 2λ को इधर लाओ, 8 − 2 हो गया 6, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6/2 इक्वल टू 3। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों देखिए स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं आपकी बुक के वो समझ आए या नहीं आए। हाँ बच्चों एक बात यदि आपके माइंड में हो कि एग्जांपल नंबर जो 15 है उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा रहा हुआ है, बच्चों चिंता मत कीजिए, उसको इसी लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले पहले वो एग्जाम्पल भी मैं आपको आज कम्प्लीट करवा दूँगा। तो बच्चों एक बार इतना देखिए कोई डाउट है या नहीं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ए डॉट बी फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और बस उनका आपस में एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट मान सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज आपको और मुझे हमें मिलकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारी मेन उद्देश्य यही है। यदि फिर भी रह जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं आज के लेक्चर में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हो, वापस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक मजबूत होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों अब हम करते हैं स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो है कि सदिश 4i - 2j + k। एक व्यक्ति इसको मैंने ए मान लिया, 4i - 2j + k का 3i + 6j - 2k। बी व्यक्ति उसे मान लिया 3i - 6j + 2k। ठीक है, इसको बच्चों मैंने ये नाम दे दिया, सॉरी प्लस सिक्स माइनस टू के। इसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, अर्थात ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा वो पता करना है। कुछ याद आ रहा है बच्चों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स किए थे जिसके अंदर हमने ए डॉट बी कंसेप्ट को क्लियर किया था, उसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था और प्रूव भी किया था भी ऐसा क्यों होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बच्चों इसको थोड़ा सा डायरेक्टली यूज कर लूँ, ए डॉट बी को, ए डॉट बी क्या होगा 4 × 3 - 2 × 6 + 1 × -2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा 3² + 6² + -2² तो ये हो जाएगा 12 − 12 − 2 4। तो क्या आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा 2/√4। ठीक है, एंड 2/2, सॉरी बच्चों हमने गलत कर दिया ना, सॉरी ये आएगा 9 प्लस
36 + 4 कुछ ऐसा आएगा बच्चों, -2/√49 तो ये आ जाएगा -2/7। सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं वैल्यू मिस्टेक कर गया, इनको जहाँ स्क्वेयर करके ऐड करना था और कुछ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वेयर 9 होगा, 6 का 36, -2 का स्क्वेयर 4, इनका सम हो जाएगा 49। दैट्स ओके। सॉरी यहाँ पे रूट और हटेगा, सॉरी बच्चों माफ़ी चाहूँगा वापस, यहाँ पे रूट और हटेगा तो ये प्रोजेक्शन आएगा -2/7। बाकी प्रोजेक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको क्या यूज करोगे, 2/7 यूज करोगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉरी बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट आपके लिए रहेगा। अब आपको सर क्यों, तो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि यदि एज वेक्टर आपको दिया 2i − 16j + 5 की, बी वेक्टर है 3i + j + 2 की, तो एक अदर सी वेक्टर ऐसा फाइंड आउट करना है जहाँ ए बी और सी एक राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं इस तरीके से, ये ए बी और सी। तो जो ए सी, ये ए है ये बी है, तो ये जो सी वेक्टर होगा बच्चों वो आपका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में होगा, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये बताने कि एक राइट ट्राइंगल है तो आपको ये प्रूफ करना होगा मोड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वेयर, सॉरी इन तीनों में एंड मोड ऑफ सी स्क्वेयर, इनमें से कोई दो के स्क्वेयर का सम थर्ड के ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो हमारा 13.1 के अंदर एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए और बी परस्पर लंब सिद्धि से, अर्थात ए और बी आपस में परपेंडिक्युलर होंगे। प्रोसेस समझ आ गई होगी बच्चों, क्या है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन प्रूव ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे वेक्टर नहीं हो लेकिन उनके सम का मैग्नीट्यूड चाहिए डिफरेंस का, उस कंडीशन में आप हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे, उनका स्क्वेयर। तो बोथ साइड स्क्वेयर कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वेयर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वेयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड हटाकर भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यदि याद हो तो हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया है इससे रिलेटेड वो याद होगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे डॉट नहीं लिखे, तो सेम उसी प्रोसेस है, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए स्क्वेयर माइनस का 2a·b प्लस बी वेक्टर का स्क्वेयर। तो बच्चों ये वैल्यू बोथ साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 2a·b प्लस 2a·b इक्वल टू जीरो, 4a·b इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल होगा, जब a·b इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तभी पॉसिबल होगा। और a·b बच्चों यदि जीरो हो गया तो यहाँ से मैं रिजल्ट ये बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, कोई डाउट है तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कर देता हूँ बच्चों। हमें दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के।
प्रूव ये करना था कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है अर्थात लंबवत है, और लंबवत का केस आप जानते हो, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ना तो हमें ए वेक्टर के बारे में कोई जानकारी है ना बी वेक्टर के, तो इस केस में हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर को मोड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस स्क्वेयर को डॉट में लिख दिया। बच्चों ये हमारा पीछे के एग्जांपल्स में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए एक बार इसको सीधा लिखा मैंने, ए स्क्वेयर टू ए डॉट बी बी स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर माइनस टू ए डॉट बी बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बोथ साइड कैंसिल हो गए, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया, टू प्लस टू फोर, ए डॉट बी, फोर डिवाइड में लाया जीरो, तो यहाँ से ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, और ए डॉट बी जीरो होने का रिजल्ट हो जाएगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है बोर्ड पे, 7 मैंने आपको होमवर्क दिया है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच्चों हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों इसके लिए इतना ही। बच्चों ये जितने भी आपको आज क्वेश्चन करवाए गए हैं 1 to 8, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार करोगे, अपने माइंड में फीड करोगे, कोई भी तरीके का आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, हाँ मैंने आपको एक बात की थी, इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले पहले मैं आपको एक जो एग्जांपल नंबर 15 का जो लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट बचा हुआ है वो जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 क्वेश्चन ये आपको इस लेक्चर में तैयार करने हैं, प्लस जो एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकेंड पार्ट है वो और अब आप देखिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट नंबर सेकंड, बच्चों आराम से समझिए इसको। क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी 3, 4, 5 परिमाण के सदिश हैं, अर्थात हमें दे दिया बच्चों ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, ये हमें दिया गया है, और प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है, यानी जो हमारा प्रत्येक वेक्टर है वो अदर टू वेक्टर के सम के ऊपर परपेंडिकुलर है। अर्थात मैं एक रिजल्ट बना सकता हूँ, ए डॉट परपेंडिकुलर होते हैं, बच्चों माइंड में ये बात आपके आ जानी चाहिए, बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू जीरो एंड सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। और हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वही बात जो आज के मैंने लेक्चर में आपको बताई थी, जब सीधा फाइंड आउट करना हो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेक्टर ही गिवन नहीं है, उस कंडीशन में हमेशा उनके स्क्वेयर पे आइए। तो इसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट करूँगा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ये रहा ए का, इनके साथ बच्चों मैं कंबाइंड डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंबाइंड लेने का रीजन बोर्ड पे आप हमारा लिखा हुआ है। अब बी की बार यही, तो पहले ए डॉट सी के साथ कर दो, बी को पहले डॉट में ए सी के साथ लाओ, फिर बी डॉट बी, सेम ये प्रोसेस सी की करो, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए सी। जिनके नीचे हमने अंडरलाइन की है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो, तो इनको जीरो रखेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, बची हुई वैल्यू क्या ही कि मोड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ ए सी स्क्वेयर, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है 5, 3 का स्क्वेयर बच्चों 9, 4 का 16 और 5 का 25, इनका सम हो जाएगा 50। लेकिन यहाँ से हमें जब रूट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का जो मोड होगा उसके 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2, इसका कंप्लीट रूट होता है 5 रूट। हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल से। तो जो प्रोसेस मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भी मैंने यही कहा था, जब वेक्टर गिवन ना हो लेकिन कंबाइंड में 2 का या 3 का मोड फाइंड आउट करना हो सम या सब्सट्रैक्शन में, तो आप क्या करो उसका हमेशा स्क्वेयर फाइंड आउट करो, डॉट प्रोसेस से इसको सोल्व करो, जो जो वैल्यू गिवन है या जिनको आप रिमूव कर सकते हो उनको वहाँ से हटा दो,
उसके बाद जो है ना वो रुको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी की जो जानकारी बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।